हेलो एवरी वन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन. कैसे हैं आप सभी? सो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू द आंसर ऑफ द एक्सरसाइज पार्ट, एक्सरसाइज क्वेश्चंस. सो स्टूडेंट, ओपन योर बुक्स एंड टेक आउट योर कॉपी एंड स्टार्ट राइटिंग. चैप्टर नंबर 15. आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्यूशन करने तो वाले हैं. इससे पहले जिन भी बच्चों ने अभी तक चैप्टर नंबर 15 का एक्सप्लेनेशन वीडियो क्लास नहीं देखा है, वो लोग चैनल पे जाके देख लेंगे. वीडियो एडेड है. इस चैप्टर में काफ़ी सारे न्यू टर्म्स एंड न्यू वर्ड्स थे, तो वो सारी चीज़ें आपको सीखनी ज़रूरी है. जस्ट गो एंड स्टडी, ठीक है? चैनल पे जाइए और उसको पूरा पढ़िए बैठ करके, बिकॉज दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर. नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 153, टेस्ट योर लर्निंग. फटाफट अपनी बुक ओपन कर लीजिए. टिक द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्लाउड्स कैन चार्ज टॉल बिल्डिंग पोल्स ट्रीज बाय. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज इंडक्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू. द मेथड ऑफ चार्जिंग अ न्यूट्रल बॉडी बाय टचिंग इट विद अ चार्ज बॉडी इज कॉल्ड. वेरी इजी, कंडक्शन, जहाँ पे हमने प्रैक्टिकल टास्क भी परफॉर्म किया था, ठीक है? न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी के बीच में. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री. इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन बी ऑब्जर्व इन. किस में ऑब्जर्व होता है? लूज इलेक्ट्रिक प्लग, इलेक्ट्रिक गैस लाइटर, ऑटोमोबाइल्स, स्पार्क प्लग्स. तो ऑल ऑफ देम. इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ देम कर लीजिए. फर्स्ट का आंसर होगा सी, इंडक्शन. थर्ड का आंसर भी सी होगा. सेकेंड का आंसर होगा सी, कंडक्शन. थर्ड का आंसर होगा फोर वाला डी पार्ट, ऑल ऑफ देम. सही टिक करिएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर. पहले पेन से लिख कर लेते हैं. एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स फ्रॉम. द करेक्ट आंसर इज फोकस. एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट फ्रॉम फोकस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव. एन अर्थक्वेक इज अ सर्टेन मूवमेंट इन दी. इसका भी ए होगा, लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर में ही सडन मूवमेंट होती है, ठीक है, जिससे अर्थक्वेक आता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉडी कैन बी चार्ज बाय. बॉडी किससे चार्ज होती है? फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, ऑल ऑफ देम. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ देम, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द लोअर एंड ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ. लोअर एंड किससे कनेक्टेड होता है? कॉपर प्लेट से. द लोअर एंड ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ कॉपर प्लेट. नाउ क्वेश्चन नंबर एट. द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी यूज टू. किस लिए यूज होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप? इसके ऊपर तो एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया था, मैम ने एक्सप्लेन किया था पूरा. जिन बच्चों ने एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखी है, दे नो द आंसर. डिटेक्ट एंड फाइंड द नेचर ऑफ द चार्ज. इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी यूज टू डिटेक्ट एंड फाइंड द नेचर ऑफ द चार्ज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन. इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो थ्रू. इलेक्ट्रिक चार्ज किसके थ्रू फ्लो होता है? सिंपल, कंडक्टर के थ्रू, ठीक है. तो करेक्ट आंसर इज कंडक्टर. टिक कर लीजिए कंडक्टर के आगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. द मैग्नीट्यूड ऑफ अ अर्थक्वेक इज मेजर्ड. कैसे मेजर किया जाता है? ऑन दी ए. टिक कर लीजिए. ऑन दी रिश्टर स्केल. नाउ आफ्टर दिस कम टू द नेक्स्ट पार्ट, मैच द फॉलोइंग. सो आप लोग अपनी कॉपी भी निकाल लीजिए और साथ साथ में ही करते जाइए. टीचर के साथ साथ आपका वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा. और बात के लिए छोड़ेंगे तो आपका वर्क रह जाएगा, है ना, कि कल कर लूँगा या बाद में कर लूँगा. तो ऐसा नहीं करना है. और साथ में ही अपनी बुक कॉपी लेना है. जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ वैसे वैसे आप टिक करते जाइए. फटाफट हो जाएगा आपका वर्क विद इन 20 to 25 minutes. और बाद में आप ज़्यादा टाइम लेंगे. नाउ फर्स्ट का क्या होगा? सेकेंडरी वेव्स. तो इसका होगा कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड, डी. यहाँ पे मैंने मैच कर दिया. नाउ सेकेंड अर्थक्वेक दैट रेंज इज 8 to 10. इसका क्या होगा? सी इज डिजास्ट्रस. बहुत ज्यादा क्या होता है? खतरनाक होता है. नाउ थर्ड सिस्मोग्राफ. थर्ड का क्या हो जाएगा? बी. सिस्मोग्राफ क्या करता है? डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड्स अर्थक्वेक, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्कोप. इलेक्ट्रोस्कोप का क्या काम है? डिटेक्ट चार्ज एंड इट्स टाइप्स.
मार्क करते जाइए. नाउ नेक्स्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. आंसर इज गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर. ठीक है. नाउ सिक्स्थ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वर्टिकली अबव द फोकस इज कॉल्ड दी. तो इसका क्या होगा, एक नेक्स्ट पेन ले लेते हैं. इसका होगा ए, एपिसेंटर. सो दिस इज द मैच द फॉलोइंग. फटाफट कर लीजिए, मैं 10 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ. नाउ आफ्टर दिस कम टू द नेक्स्ट पार्ट, ट्रू एंड फॉल्स. सो स्टूडेंट, जिन भी बच्चों ने अभी तक पुराने वीडियो क्लास के नहीं देखे हैं वो देख लेंगे. सारी चीज़ों को समझ लीजिए, बिकॉज इन दिस चैप्टर देयर आर न्यू वर्ड और न्यू टर्म्स दैट इज रिलेटेड टू द हायर क्लास. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट, लाइटनिंग इज अ नेचुरल फेनोमेनन. ट्रू. सेकेंड, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव नेगेटिव. ट्रू. येस, चार्जेस इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. थर्ड, द क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस इज कॉल्ड लाइटनिंग. नो, फॉल्स. नाउ ट्रू एंड फॉल्स नंबर फोर. The numerous small pieces in the lithosphere are called tectonic plates. True. Now next, the landfills and reclaimed area are very dangerous as they do not have enough strength to support building during earthquake. False. Fifth wala false hoga. Now sixth, the seismograph is a scale to measure an earthquake. सो आंसर इज ट्रू. लास्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर क्या होगा, ट्रू होगा. नाउ आप लोग का जब पूरा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट क्या करना है, गुड मॉर्निंग मैम, माई वर्क इज कंप्लीटेड और डन. ओके, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. इतना आपको कमेंट करना है और अपना नाम और सेक्शन जरूर लिखेंगे उसमें. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, आंसर ईच इन फ्यू वर्ड्स ओनली. फटाफट से ये भी पार्ट कर लीजिए, फटाफट अपनी कॉपी निकाल लीजिए पहले तो आप लोग. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, आंसर ईच इन फ्यू वर्ड्स ओनली. क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन का स्पेस छोड़कर आप लोग पहले आंसर लिख लीजिए. वीडियो आप लोग कैसे करना है, अपना मोबाइल टेबल पे सेट करिए, ठीक है, और साथ में ही आंसर लिखते जाइए जिससे किसी भी तरीके की कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो. और क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक से बाद में कर लेना, या जिनकी स्पीड अच्छी हो वो साथ साथ में क्वेश्चन भी करते जाइए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ चार्ज इज प्रोड्यूस इन अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ व्हेन इट इज रब्ड विद अ ग्लास रॉड. नाउ आंसर नंबर वन, अ ग्लास रॉड रब्ड विद अ सिल्क गेट पॉजिटिव चार्ज एंड द सिल्क गेट नेगेटिव चार्ज. कंप्लीट योर आंसर विद द करेक्ट स्पेलिंग. अ ग्लास रॉड रब्ड विद अ सिल्क गेट्स पॉजिटिव चार्ज एंड द सिल्क गेट नेगेटिव चार्ज. Now write down the next question, question number 2. Mention two type of charges. Write down the question number 2, mention two type of charges. Now write down the answer number 2. Electric charge are two general types, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो यहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ, थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, फटाफट अपना आंसर लिख लीजिए कॉपी में. क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ते जाइए, जिनकी स्पीड अच्छी है वो लिखते भी जाएंगे साथ में, चलेगा, है ना. तो कमेंट करके मुझे ज़रा बताइए किनकी स्पीड अच्छी है, किन्होंने वीडियो में साथ में एक वर्क कंप्लीट किया है और किन्होंने सिर्फ आंसर आंसर लिख लिया है. ठीक है, अब जो वीडियो पूरी देखेगा मुझे पता चल जाएगा जिसका कंप्लीट हुआ है किसका कंप्लीट नहीं हुआ है. तो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि यस मैम, मैंने वीडियो के साथ साथ अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोस्कोप. आंसर नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है,
It is a simple device used to detect the presence of charge in an object. Electroscope क्या होता है? It is a simple device used to detect the presence of charge in an object. Complete कर लीजिए. Complete your answer with the correct spelling. Now write down the next question, question number 4. Who proved that the clouds build up charges during a storm? किसने प्रूव किया था ये? The clouds build a charge during a storm is proved by Benjamin Franklin. Write the correct spelling. Now, write down the next question, question number 5. Name the layer of the earth. So answer is on your screen. Three layers of the earth are crust, mantle and core. These are the three layers of the earth. Crust, mantle and core. Complete your answer with the correct spelling. और आप लोग साथ साथ में ही करते जाइए काम. और आपको मैम ने एक टास्क दिया है कि आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करना है. अभी मैम ने क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड के टाइम पे दिया था, ठीक है? तो उसे करके देख करके दीजिए मुझे. नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. मेंशन द क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स. सो आपके स्क्रीन पे है ये आंसर. अर्थक्वेक वेव्स आर क्लासिफाइड इंटू 3 टाइप्स. कौन कौन से टाइप्स में क्लासिफाई होता है ये क्वेश्चन एंड आंसर दोनों आपके स्क्रीन में आ गया. प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव्स. कंप्लीट कर लीजिए. Now after this come to the next part, answer each in 1 or 2 sentences. Question number 1. List 3 safety measures you would take during lightning. So what are the 3 safety measures जो आपको lightning के time पे लेने चाहिए. First point है, if you are traveling by bus or car, shut the door and windows of the vehicle. Now write down the point number 2. Stay away from the water bodies during lightning. Now point number 3. So students, point number 3 आप लोग अपने आप से मुझे बताएंगे क्या होगा आंसर, ठीक है? पॉइंट नंबर 3 बताइए. ड्यूरिंग लाइटिंग हमें और क्या सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने चाहिए? कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. If 2 rulers made of plastic are rubbed against your hair and brought near each other, will they attract each other? Why? Now write down the answer number 2.
If two rulers of plastic rubbed against are here, they will have the same charges. So same charges repel each other. ठीक है, सेम चार्जेस तो रिपल करते हैं, तो यहाँ पे अट्रैक्शन तो होगा ही नहीं. नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. Why should we stay away from water and plumbing lines during lightning? Why should we stay away from water and plumbing lines during lightning? The correct answer is because these water and plumbing lines are good conductor of electricity. Now write down the next question. Explain the difference between focus and epicenter. Now answer is on your screen. Focus, it is a point from where earthquake originates. And epicenter kya hota hai? The point above the focus of earthquake is called epicenter. Complete your answer with the correct spelling, students. मुझे तो पता ही है कि 8th क्लास के बच्चों की जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है. वीडियो को देखते देखते वो वर्क अपना कंप्लीट कर लेंगे विद इन 20 to 25 minutes. जितना बड़ा ये वीडियो है उतनी देर में आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, है ना. और कुछ बच्चे तो मुस्कुरा रहे होंगे इस बात पे. नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. इफ एन अर्थक्वेक इज इन द रेंज ऑफ 5.6 to 7, व्हाट डैमेज इज लाइकली टू बी हैपन. अगर इस रेंज का अर्थक्वेक आता है तो क्या क्या डैमेज हो सकते हैं. आंसर लिख लीजिए, क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ दीजिए आप लोग. इट्स इफेक्ट इज स्ट्रॉन्ग. डैमेज टू वेल कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स, बट हैवी डैमेज टू पुअरली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग. कहते हैं ना, जब भी हमें अपना घर या बिल्डिंग बनवानी है तो कैसे बनवानी है, बहुत अच्छे से उसमें सारे मटेरियल्स जितने भी लग रहे हैं अच्छी क्वालिटीज़ के होने चाहिए, जिससे अगर बाय मिस्टेक अर्थक्वेक आ भी जाता है हमारे एरिया पे, तो हमारा घर क्या हो, सेफ जोन पे हो. ठीक है, हमारा घर क्या हो, सेफ हो. फटाफट आंसर लिख लीजिए, आंसर नंबर 5. Now write down the answer number 6. What are tectonic plates? आपके स्क्रीन पे है आंसर नंबर 6. लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स. ये आंसर छोटा है आपका, जल्दी हो जाएगा. लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 1. What is lightning and how does it occur?
Now write down the answer number first. Lightning is an electric discharge caused by the imbalance between storms, cloud and ground. Lightning occurs because opposite charge attract. The negative charge at the bottom of the storm cloud wants to link up with the ground positive charge. ऐसे ही बिल्कुल आंसर लिखिए, आपकी कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. इसीलिए टाइप्ड वे में है सारा कुछ. हैंड रिटन होता तो क्लियर समझ नहीं आता है ना. जिनका हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए. क्वेश्चन नंबर टू. Why do we say that only repulsion is a sure test of charge on a body? ऐसा क्यों कहा जाता है? Why do we say that only repulsion is a sure test of charge on a body? तो आंसर लिख लीजिए. Because when we bring a charged body near an uncharged body, an opposite charge is induced on the न्यूट्रल बॉडी. इतना लिखिए पहले. एंड देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन देम, देयरफॉर रिपल्शन इज प्योर टेस्ट ऑफ चार्ज. Complete your answer with the correct spelling. Now write down the next question. सभी का हो गया ये. Next question क्या है? How does lightning conductor protect a building? Explain. तो ये तो बहुत इजी है, सभी को पता है कैसे लाइटनिंग कंडक्टर हमारी बिल्डिंग्स या हाउसेस को प्रोटेक्ट करता है. नाउ राइट डाउन द आंसर नंबर थ्री. क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़कर आप लोग आंसर लिख लीजिए. दोनों चीज़ आपके स्क्रीन में, जिसका स्पीड अच्छा है वो दोनों चीज़ लिख ले. टॉल मेटल रॉड फिक्स टू अ बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बींग डैमेज फ्रॉम लाइटनिंग. Tall metal rod fixed to the building to protect them from being damaged from lightning. If the lightning strikes the building, it flows harmlessly to the earth through the metal rod and no damage is done due to no damage is done to the building. मेटल रॉड क्या करता है, लाइटनिंग के जितने भी इफेक्ट हैं वो सीधा ग्राउंड पे ले आता है, ठीक है, अर्थिंग के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे बिल्डिंग में कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता. नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर. व्हाट इज अर्थिंग एक्सप्लेन. So the process of transferring charge from a charge object to the earth is called earthing. Earthing is used to discharge an electroscope before it can be used from another experiment. Now
Now write down the next question, question number 5. Why and how does an earthquake occur? Now write down the answer number 5. Most of the earthquakes are caused by the movement of earth plate. So these plate joints are weak zones and called as seismic zones area where earthquakes are mostly likely to occur. Now write down the next question, question number 6. State the function of seismograph with diagram. Now write down the answer. Seismograph is a vibrating rod or pendulum attached to the pen. When the earthquake occurs, the rod and pendulum vibrate. A roll of a strong strip of paper rolled on a drum is allowed to move under the vibrating pen, leave the mark of vibration on papers. तो इस तरीके से सिस्मोग्राफ क्या करता है? अर्थक्वेक की वेव को रिकॉर्ड करता है. ठीक है, नाउ डायग्राम तो आपकी बुक में ही है. सो ये है फिगर नंबर 15.5 सिस्मोग्राफ का डायग्राम, जिसे आप लोग अपनी कॉपी में बनाएंगे. ठीक है, जिसके पास नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है.